सब लोग आ जाओ गाइस, थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हैं लोग, तो थोड़ा मैं भी अभी बोल देता हूँ कुछ चीजें। आ जाओ सब लोग, आ जाओ पहले। बिल्कुल दिमाग दिमाग इनका घुटनों में है, घुटनों में, ट्रस्ट में, घुटनों में दिमाग है इनका, घुटनों में। अब तक नहीं बोला ना गाइस, आज बोलूंगा, लेकिन बढ़िया सुनना बस अच्छे से सब लोग। तुम लोग सुनने वाले बनो आज, और मैं बोलने वाला बनूंगा। तुम लोग बोल रहे हो ना स्टैंड नहीं ले रहा है अपना, और इतनी सारी चीजें ये है वो है। अब मैं इनको बताता हूँ बहुत अच्छे से कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, ठीक है? आ जाओ पहले सब लोग। क्या हाल है वाशु? पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया ने देखा है कैसा मैंने चैलेंज परफॉर्म किया है, और तुम्हारे एक्सप्लेनेशन से या फिर मेरे एक्सप्लेनेशन से उसमें कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है? तो मुझे मत बताओ कि मैंने कैसा परफॉर्म किया, और तुम बोल रहे हो लाइव में कि जश्न उठा के लेके जाएगा, एक बार वन ऑन वन भी कर लेना अगर तुम्हारे बस की हो तो। मुंह पे बोलता हूँ मैं सारी चीजें, ठीक है? बोलना बंद करो, बस हो गया तुम्हारा अभी। मैं इतने दिन से सुन रहा हूँ और ठंडा पड़ा हूँ, सारी चीजें नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मुझे मजबूर मत करो बस, ठीक है? आइडियल मैच बने हो, बढ़िया, खुश रहो, तुमको वोट भी दिया मैंने, थैंक यू बोल देना कभी टाइम मिलेगा। तुम लोग कितने अनग्रेटफुल हो यार, कोई इंसान तुम्हारी टीम से परफॉर्म कर रहा है, तुम्हारे लिए सारी चीजें कर रहा है, ठीक है? टास्क में बेस्ट परफॉर्म किया ताकि टीम जीते, ठीक है? मिसशिप बॉक्स, मेरे से गलती हो गई भाई, इंसान गलतियों का पतला है, अभी भी बोल रहा हूँ, हो जाती है इंसान से गलती यार, हर किसी से गलती होती है, ठीक है? और तुम मुझे क्या बोल रहे हो मेरी पर्सनल चीजें बाहर निकालो, कि तुम्हारे बस की जो है ना कर लेना भाई, जो डालना है डाल देना तुम, ठीक है? मुझे ऐसे ये सब चीजें धमकी मत देना कभी लाइव पर आकर कि भाई ये कर दूंगी, और लप्पू सा सचिन ना बोलना बंद करो, ठीक है? पहले 10 साल की मेहनत करो, उसके बाद कुछ लाइफ में अचीव करो, उसके बाद बोलना, ठीक है? दूसरा शौक है तुम्हारा, मत मुझे इतना उकसाओ बोलने के लिए चीजें कि मैं फालतू में गलत जाके चीजें बोलूं तुमको, हद हो गई यार बहुत। मजाक बना के रख दिया यार शो का, बहुत हो गया तुम्हारा यार, ज्यादा हीरो बनना बंद करो, और ये फेक एक्टिंग ना पूरी दुनिया कर लेती है भाई। 11:11 हो रहे, सच बोल रहे हो, एकदम बढ़िया, एक्टिंग करना सिखा दो एटलीस्ट उसको, अगर नहीं आती है तो एक्टिंग क्लास ज्वाइन करा दो उसको फिर। अबे यार कितने कितने भोंदू लोग हैं यार, कितने भोंदू लोग हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिस्ट हो यार तुम। अब सारी चीजें अगर मैं बोलने पाया ना तो मुझे भी बहुत कुछ पता है, फिर मेरे को मत मजबूर करना फिर वो चीजें बुलवाने में। कबीर वाला पॉइंट भी मैंने दबा दिया था क्योंकि मेरा मन नहीं था बोलने का चीजें, कबीर को भी मैंने मना करके चलो छोड़ जाने देते भाई, कोई बात नहीं, ठीक है? मेरे से नहीं होता है भाई ये सब। पूरे शो में कहीं पे भी किसी भी लड़की को डिसरिस्पेक्ट किया हो, कभी भी कुछ भी गलत बोला हो, देख लेना सीजन जाकर, ठीक है? अपने मेन गेम के लिए दूसरों को गिराना बंद करो भाई। गंदा गेम खेलते हो, दिग्विजय को इसलिए सेव कर रहे हैं ताकि हम उसका फायदा, पूरी जिंदगी फायदा ही उठाते रहोगे भाई लोगों का, कभी किसी का सपोर्ट भी करना सीखोगे। अबे यार इनको हद हो गई यार, मतलब गेम तो ऑन है और तुम्हारी गेम देख लेंगे और पूरा सीजन भी देख लेंगे, देख लेना किसने किसके लिए इतना स्टैंड लिया है और किसने क्या किया है पूरे सीजन में, देख लेना सब लोग, ठीक है? मजाक बना के रख दिया है यार, बिल्कुल हद हो गई यार। मेरा लक्ष्य और दिग्विजय भी आ गया इधर, वैसे बस कर दो भाई, सही बोला मैंने वैसे, वीडियो में निब्बा और निब्बी दोनों वही लगते हो तुम, ठीक है? और कोई हेट नहीं बोला, सच बोल रहा हूं, जो दिल में आ रहा है वो बोल रहा हूं बस। आजा राठी, तेरी कमी लग रही है मुझे थोड़ी सी, हद हो गई यार, बस करो बस करो, नहीं देखना तुमको भाई। और मेरे को बोलते तुम लोग, मैं तुम्हारी लाइफ में बातें करते रहता हूँ, अबे तुम जाओ यार, तुम जाओ। कल हैप्पी वर्ल्ड डांस डे, मैं तो डांस डे की प्रैक्टिस कर रहा था आज, आज वीडियो बना रहा था कि कुछ अच्छा डाल सकूं कल। तुम लोग पूरा टाइम लाइव में आज तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो, ठीक है? और तो तुमको कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि सच ही तुम्हारा कंटेंट हो गया, कुछ और नहीं मिल रहा था शो पे। भाई वो बंदा बोलता है भाई, सही बोलता है जो बोलता है यार, गलत थोड़ी ना बोलता है वो। तुमने बोला पहले कि मैंने कभी भाव नहीं दिया था, ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, फिर तुम्हारे स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टेड हो जाते हैं भाई। भाई 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 भाई, बड़ा मजा आ रहा था भाई इनकी लाइव में, मेरे को लाइव देख रहा था।
मैं भाई आकृति और जस्ट की मैंने कोई लाइव देखी नहीं अब तक, मेरे को पता नहीं था क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं, क्या कुछ करते हैं, मैंने आज देखी भाई फर्स्ट टाइम। मैंने कमेंट्स कमेंट्स रखे भाई 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 बहुत हंसी आ रही थी भाई, कसम से बहुत हंसी आ रही थी। मतलब इतनी गालियां खाने के बाद कोई इंसान इतनी अकड़ में कैसे रह सकता है? इतना सचिन एटीट्यूड किस बात का है भाई? सचिन मैं तो भाई, अबे भाई अभी मैं भाई आगे नहीं खोलना चाहता हूँ, बहुत बुरा हो जाएगा, मैं नहीं करना चाहता हूँ, बट ये मजबूर कर देते हैं भाई। जो लाइव में आज कर रहे थे ना, मैंने एक रील, सचिन तूने डाला जो डाला, मैंने एक रील शेयर नहीं की अपनी स्टोरी पे आज तक, ना मैंने ब्रॉडकास्ट में इसके अगेंस्ट कुछ भेजा, क्योंकि मेरे को पता है भाई जब इतनी हेट मिलती है तो फटती है भाई, बहुत फटती है। और मैं तुझे भी मना कर रहा था, मैं कहा ये मत करो, जब तुमने उसको ऐड किया, क्या नाम था, कबीर को ना रहो, कभी मैं तब भाई भी मैंने बोला मना मत करो किया था ना कि मत इस टाइम करो, पे लिख दीजिए, मैं मना मत किया था कि नहीं करना करो भाई मेरे मत को। करो। हाँ, तूने भी बोला भाई, भाई हम थोड़ी सी शर्म कर रहे हैं, हम थोड़ी प्यार से चीजें हैंडल करके, मैं तो खत्म कर ही दी थी, अब तो हो भी गया था ब्रो, वो सारा सीन तो चला भी गया, आज तो नॉर्मल आया कि इसने मुझे सेव किया और वो भाई सब, आज तो इन आइडियल मैच दोनों बने के हो, ना, खुश इन हो दोनों जाओ। की राठी, इन दोनों की किसी की औकात नहीं। जितना ये वीडियो में बोल रहे हैं ना, मेरे मुंह पे बोल के दिखा देना किसी दिन दम हो तो, कि दोनों के अंदर ठीक है, खुला चैलेंज देता हूँ दोनों को, जिसके अरे बस की हो जो भी हो मुंह पे बोल के दिखाना है मेरे। मैं बोलता है अभी इसका मतलब ये नहीं है बहन, जो कुछ भी बोलोगे तुम लोग जाके। भाई यार एक बात बता, ये तेरे बारे में बड़ा इसने आज कुछ बोला एपिसोड में और लाइव लूव में भी कि कुछ नहीं है सचिन ऐसा वैसा ये वो, तो भाई एक बात बता, क्यों मुंबई आके रील्स बना रही थी तेरे साथ? इतना ही कोई इंसान बेकार लगता होता? तेरी भी अब पास्ट सुनो रहा है, भाई, जो भी रहा है, हाँ तू सुन बोल एक तू सेकंड बोल सुन, तू तेरा भी बोल। पास्ट रहा है, तू भी रहा है, तू तो नहीं, मैं ऐसे इतनी गंदी बकवास कर रहा कि बिल्कुल ही घटिया औरत है वो, जबकि भाई तेरा अगर तू बोलेगा तो तेरा वैलिड लगेगा भी, वो बोल रही है वो वैलिड लग भी नहीं रहा भाई, इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं भाई? अब हो गया भाई शो खत्म, मतलब उस चीज में अंदर मत घुसो ना इतना। भाई, क्योंकि डिफरेंस डिफरेंस दुनिया देख पा रही है ना भाई। कौन भाड़ 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 भाड़। दूसरी चीज, एक पॉइंट था, सब लोग मुझे कोलैबोरेशन वाले पॉइंट के लिए बोल रहे थे कि भाई तुम क्यों नहीं बोल रहे। अभी मैं बताता हूँ सारी सच्चाई सबको, ठीक है? बहुत हो गया अभी, मैं सोचा कि नहीं बोलूँ, नहीं बोलूँ लोग गलत तरीके से लेंगे। बट हम लोग का कोलैबोरेशन ट्रिप था 5 दिन का, ठीक है? हम लोग दुबई में थे 15 दिन, 15 दिन हम लोग दुबई में ऐसी तैसी करा रहे थे अपनी है। और कौन से डिलीवरेबल्स तुमने डाल देना बताना, कौन सी कंपनी के तुमने डिलीवरेबल्स डाल दिए, तुम इतना फ्लेक्स कर रहे हो, ये कोलैबोरेशन ट्रिप था, सोच समझ के तो बोला करो कम से कम यार चीजें। भाई कह रही है सुन, लाइव में कह रही मैं रियल हूं, मैं जैसी हूं वैसी हूँ शो में, तो एक बात बता, रोडीज में फेंकती है स्प्लिट फिलहाल में फेंकती, क्योंकि दो अलग अलग लोग हैं दोनों शो पे, देख लेना गाइस जिसने नहीं देखा। हाँ यार, अरे भाई मैं सुन पता है यार, कुछ सचिन एक बात होती है, आदमी हम्बल हो जाता है इतनी गालियां सुन के, इतनी हेट लेके नॉर्मल होता है इंसान की, ठीक है यार ज्यादा बोल दिया शो में भी ये कर दिया, भाई आज जो लाइव में अकड़ देखी भाई मैंने, मैं कहा भाई ये क्या क्या मतलब, मेरे को मैं ना खुश था, मैं ना कमेंट करता कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह ये वो, लेकिन भाई ये तो बुराइयों पे लगे हुए हैं, आज आइडियल मैच बने थे भाई, है भाई क्यों खुश ही नहीं, क्यों वहां पे क्यों भी, भाई वहां इनका पे भी नहीं वो चल रहा तेरे है क्या? वाला मेरे बिना टॉपिक। नहीं चल रहा है क्या इनका? मतलब बन गए तुम आइडियल मैच बन गए, मैंने वोट दे दिया तुमको, एक एक और एहसान कर दिया तुम्हारे ऊपर वोट देकर, तुम्हारे साथ टास्क भी परफॉर्म करके जिताया, तुम लोग मेरी वजह से वहां पे जाके बैठे सेफ जोन में और तुम मुझे अकड़ दिखा रहे हो। और तुम लोग बोले जसवंत लीड कर रहा था, बेटा जब ब्रिज पे जा रहा था ना पहले, तो जसवंत ने रोका था, ठीक है? क्यों भाई मेरे को चलना नहीं हाँ आता है हाँ क्या? हाँ हाँ अरे मेरे को चलना नहीं मेरी आता है बहन भी क्या? पीछे से आगे रही है, नोटिस किया भाई लोगों ने, जो समझदार ऑडियंस है उसने नोटिस, फिर कह रहा है नहीं नहीं तू रुक जा, अबे भोंदू तो पहले उठ के जाता ना, इतना प्यार प्यार था, तो अगर तुझे और जाना भी था, तुझे आकृति को ड्रिंक्स इनसे संभालना लेके था नहीं जा रो रही रहा। थी। हद हो गई यार राठी, मेरा तो मूड ही खराब हो गया लाइव देख के। सच में मैं ना बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा अपने आर्ट पे फोकस करूं, आर्ट पे फोकस करूं, जो काम आ चल रहा अब है तेरे उस को पर एक फोकस एक करूं। बात बताता हूँ गाइस, सुनो सब सुन लो, सब सुन लो ध्यान से, रिकॉर्ड भी कर लेना चाहे, जब वो एपिसोड आया उस रात कमेंट सेक्शन वगैरह भाई हम देखते हैं, हमारे आगे आता है हर एक स्प्लिट विलन देखता होगा, कोई बोलेगा नहीं देखता वो झूठ बोल रहा होगा, बट देख लेते हैं एक दो बार सब, है ना सचिन, कमेंट सेक्शन में देखते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, हल्का सा स्क्रोल तो दुनिया करता है देखती है इंसान। भाई। हाँ भाई स्क्रोल करते हैं देखते हैं भाई, उस दिन मैंने देखा वो जब रात को एपिसोड आया, 2-3 दिन हो गए भाई रील्स रूल्स बन गई वो वाली, ये जब इंटरव्यू में बैठ के मुझे बोल रही है कि भाई ओ दिग्विजय भी इसमें वो सब, भाई एक तो क्लिप उसमें से मैंने देखी भी नहीं थी, और वो मैंने ना शेयर करी ना कुछ करी, मेरे को 1000 लोगों ने भेज दी कि भाई ये पोस्ट मेरे करो ये खुद डालो 10 लोगों ने भेज ब्रॉडकास्ट दिया, में, 10 से 15 सुन लोगों ने। हाँ कह रहे ब्रॉडकास्ट में भेजो भाई ये डालो डालो कितनी फनी है ये है वो है, सारी सच्चाई बाहर आ गई है आगे वोगी, मैं कहा भाई हो चुका है, मैं प्रूव करने नहीं लगूंगा कि भाई मैं सच्चा हूँ ये हूँ वो हूँ, मुझे पता होगा इस टाइम आकृति के ऊपर बहुत गंदी बीत रही होगी, मैंने इसको नॉर्मल मैसेज किया ब्रो, मैं कहा यू फाइन क्वेश्चन मार्क, मैंने इसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया ब्रो, हम फॉलो करते थे उस टाइम तक एक दूसरे को, क्योंकि शो के बाद होगी थी नॉर्मल चीजें, और मैंने मैसेज किया
यू फाइन क्वेश्चन मार्क। फिर भाई इसका आया नो, तो मैंने बात की इसको थोड़ा समझाया, मैं कहा सुन टेक योर टाइम ऑफ और थोड़ा हट जा सोशल मीडिया से, क्योंकि भाई नहीं होती है हेट हैंडल। बट भाई आज लाइव में आके इतनी अकड़ किस बात की भाई? अभी तुम दुनिया से गालियां खा खा के खुश नहीं होगा, और गालियां खानी है ताकि तुम हमें हमें कुछ बोलो, फिर हम और बोल ले। हम अब भी कुछ नहीं बोल रहे हूँ, और बहुत बातें पता है। नहीं भाई देख राठिया, नहीं मैं बोल रहा बोलूंगा, हूँ मैं नहीं बोलूंगा, मैं भाई, शो में भी नहीं बोलना चाहता था। वो निकली वहां गुस्से में, क्योंकि इस आदमी पे सब लोग बहुत ज्यादा चढ़ गए थे। मैं अब भी नहीं बोलूंगा, लेकिन मत खुलवा भाई, मुझे मत खुलवा। है मेरे को मेरे ऊपर कंट्रोल, मैं इतना गंदा नहीं गिरूंगा तेरी तरह। भाई मेरे को भाई ठीक है, सचिन तू रील रूल डाल रहा है, मेरे को तो समझ आया, मुझे क्यों बोल रही है भाई? मैंने एक चीज भाई उसके देख अगेंस्ट नहीं डाली, मैं कुछ तेरे को नहीं एक बात किया। बताता हूँ। दिग्विजय क्या होता है ना कि लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सब लोग जो लोग देख रहे हैं ना पूरा शो, सबके लिए एक एक विजन बन जाता है, एक फैमिली बन जाता है। जैसे वो लोग शो देखते हैं तो वो लोग बहुत चीजें पर्सनली लेते हैं। अगर मैं चीजें मेरे साइड की नहीं रखूंगा ना तो जनता नहीं समझ पाती है भाई आधी चीजें, क्योंकि 1 घंटे का एपिसोड आता है भाई, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। 1 घंटे के एपिसोड में सारी क्लैरिटी नहीं मिलती है लोगों को। और ये बात बोले ना इंटरव्यू में भाई, मैंने उस दिन भी इंटरव्यू में भी ये बोला था कि आकृति का मन बहुत इंडिसाइसिव है, पर वो लड़कों के मामले में वैसी नहीं है भाई ओए इन सुन, जनरल। वो कह रही है ना तू उसकी वजह से शो में आया है। गाइस उसका इंटरव्यू देख लेना जाके, कह रही है माय फैमिली इज वेरी ऑर्थोडॉक्स, मैं तो कभी नहीं जा पाऊंगी स्प्लिट्सविला में। ओ और स्प्लिट्सविला में क्या कर रही है देख लेना गाइस, कौन कितना दोगला है, कौन कितने पानी में है देख लेना जाके खुद ही, कौन किसकी बातों में दम है किस में नहीं है। भाई मेरा सच बता रहा हूँ राठी, आज आज भी जब मैं एपिसोड देख रहा था ना तो कुछ कुछ चीजें हिट करती हैं भाई पर्सनल लेवल पे। ट्रस्ट मी, वो जो मोमेंट है ना सारे यहाँ पे हिट करते हैं भाई। शो खत्म हो गया, सारी चीजें हो गई, बट कुछ चीजें बहुत पर्सनल होती हैं, बहुत हिट करती हैं। और जब उस इंसान से और गंदा, भाई मेरा तो आज मूड ही खराब हो गया एपिसोड के बीच में। मैंने बोला भाई अब नहीं देख पाऊंगा मैं इसको। अबे भाई अरे यार मतलब ठीक है, हो गया शो, वो हो गया, अब मतलब शो हो गया है, लेकिन कैरी पता क्या बोला ब्रो इसमें सचिन? पता नहीं सुन तूने सुनाया नहीं, उसके साथ रहते हुए तेरे कितने ज्यादा सीन थे, क्या थे क्या नहीं थे। भाई मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ लाइव कर लो ना, इतना दम है तो फिर कर लो, आ जाओ मेरे साथ लाइव। सच्चाई बाहर निकालनी तो निकाल लो, फिर कितनी बाहर निकालनी भाई है। जो कोर्ट रूम दलदल में बेटा में अगर होगा फिर वो हो देखो, जाएगा भाई, अगर दलदल जो में कोर्ट बैठ रूम में जाएंगे तो होगा सब भाई गिरोगे वो याद हो रखना, जाएगा, जो सब कोर्ट गिरोगे रूम में होगा फिर। भाई फिर वो हो जाएगा। फिर मैं वही बोल रहा हूँ, दलदल में पैर रखोगे तो खुद भी डूबोगे, याद रखना बस चीजें। भाई जो कोर्ट रूम में होगा इस वो हो जाएगा, फिर मुझे कुछ लोग लाइव पर्सनल करेंगे विंडो साथ पे बहुत में सारे तो। मैसेजेस करते हैं, मैं उनको तो इग्नोर कर देता हूँ। दिग्विजय जानने वाले, मैं उनको मैं क्या छोड़ भाई, आई डोंट केयर। अरे भाई किस किस को एक्सप्लेन करें, मेरा और इशिता वाला? अब भाई इशिता और मेरे वाले को लेके बोल रही है, वो तो इशिता को दूर दूर से नहीं जानती, मैं तो तुम दोनों के बीच में रहा और फिर हूँ, मेरे इशिता को आगे फिर तुम वो दोनों इशिता और मेरे बीच में बोल रही है। अबे अबे खुद्दू इंसान, मैंने तो कुछ बोलना ही नहीं है, मैं नहीं गिरता हूँ तुम्हारा तेरे जितना, कि भाई तेरे सचिन के बारे में इतना गंदा बोल दूं या अपनी एक्स के बारे में इतना गंदा बोल दूं। रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, मेरी एक्स उक्स रही है, उसके बारे में मैं गंद नहीं बोल सकता, मैंने अच्छा टाइम स्पेंड किया इशिता है, गलतियां इशिता को उसकी फिर साइड से भी वही रही है, इशिता गलतियां को उसकी वो साइड से भी सपोर्ट रही कर है। रही थी तभी तो। और फिर तेरे सामने जिस दिन हमारा वो वाला सीक्वेंस चला, उस दिन मैं उसको बोल रही कि तुम मत बोलो तो तुम ही बोल लो सारा सब कुछ, तुम ही बोल लो ना भाई, फिर सब तुम ही बोल लो भाई। बहुत नहीं इतना बहुत ज्यादा इतना ही दम था तो दिग्विजय को ना करते भाई से, फिर वोट लेके आइडल मैच बन के दिखाते। वो तो उस टाइम पे मैं समझा भी नहीं पाया इन सबको, ये नए थे भाई लोग, उनको नहीं पता था ये इतने हरामी देख, लोग और मैं इतने मुझे ऐसा बदबू लगा कि निकले। मैं इतना इतना गंदा नहीं, चलो ठीक है भाई तुम्हारा कनेक्शन बन गया, तुम्हारी सारी चीजें हो गई, आई रिस्पेक्ट दैट। मैंने उसमें बोला भाई तुम दोनों कनेक्शन है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ तुम्हारी चीजें, बट मुझे तो मत मतलब बेवकूफ बनाओ ना भाई उस चीज के बीच में। तुम आगे कुछ भी बोलोगे फिर मैं कुछ भी रिएक्ट करूंगा इन सब चीजों में, तो तुम वासु भी दोनों ऐसे। कुछ कर रहा है क्या? वाशु है क्या इधर? पता नहीं, मेरे दोस्त का कमेंट आया है, कह रहा वासु का कमेंट पढ़ के सेइंग वो भी वहां था किचन में उस दिन, प्रूफ है सब रोडीज वाले। अरे प्रूफ करने की भाई जरूरत नहीं है भाई, ऑडियंस देखो देखती है, सुनो, समझ जाती है। अब तुमको लगता है तुम आके लाइव पे बोलो वैसे कि मैं रियल हूं, पूरी दुनिया शो देख रही है, और और मैं तुम और मुझसे अच्छा कोई जान भी नहीं सकता तुमको, सब लोगों में से याद भी रखना ये चीज, एक सेकंड तो एक मुझे सेकंड, क्या क्या पता ये है वो भी याद रखना। हाँ ये जस्ट कृति एडिक्शन, दिग्विजय स्टॉप टॉकिंग अबाउट आकृति। मैडम जी पहले उसको बोलते, मैं तो बोला भी नहीं है कुछ, मैं तो कुछ किया भी नहीं है, ना मैंने कोई रील शेयर करी ना कुछ करी है। भाई सुन सुन सुन, मेरे को है ना अरे नेगेटिव देख लेना कहीं खुद ही जो बैठ के सुन कमेंट तो नहीं कर रहे भाई, अबे इतना सच नहीं बोल रहा सचिन मैं तो सच भाई, बोलता हूँ भाई भाई। इनके जसकृति और एक फैन पेज है भाई, लिख के शर्त लगाने को तैयार हूँ भाई, इन्होंने बनवाए हुए हैं, इन्होंने बनाए हुए हैं, खुद बनवाए भी नहीं हुए, खुद बनाए हुए हैं भाई।
कसम से भाई, सिर्फ एक जगह से। और ओए फैन पेज पे चल ठीक है, फैन पेज बना लिया बना लिया, कमेंट क्यों ऑफ कर रहे हो भाई अपने फैन पेज का? अपने ही फैन पेज का कमेंट सेक्शन ऑफ है, मैं देख रहा। इतना बस बुरा करो हो भाई, रखा है यार बस इनके साथ, और फिर इतना बुरा हो रहा है। अब कुछ नहीं भाई, सब सॉर्ट हो गया, आइडियल मैच बन चुके हैं, लड़ाई भी खत्म हो गया एपिसोड्स में। अब उड़ता हुआ तीर पीछे लेने की आदत है और आगे लाइन में बकवास कर रहे हैं, मत करो यार। अभी भी नहीं, इस लाइन में भी कुछ नहीं बोल रहा है, खुल जाएगा और इनको लग रहा है पूरा सिस्टम, तो भाई। बहुत गंदा सिस्टम खुल जाएगा। कृति सुन रही होगी, मत कर, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ वैसा। प्रूफ इतना ताव में सारी चीजें बोल प्रूफ रहे हैं, है मेरे इनको लगता है पास। हमारी फट जाएगी सब चीजों से। गलत भाई, भाई एक तो बहुत भाई गलत। आज भी लाइव में, अब तक तो मेरे को ये नहीं समझ आया, आज भी लाइव में कह रहे कि भाई हाँ खुद ही कह रही इनको लगता था लड़की इतना तेज दिमाग नहीं चला सकती, लड़की ये नहीं कर सकती। भाई हमने तो आज तक ऐसा बोला ही नहीं, तेरे ही मुंह हमने से तो निकल रही कभी है ये बोला ही बात नहीं भाई, लड़कियों या में बहुत दिमाग होता है भाई, हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को। ठीक है, भाई तुम्हारे सर स्टार्टिंग बहुत से बोल रहे दिमाग हैं है। इक्वल हाँ है, बात स्टार्टिंग से खत्म। बोल रहे हैं इक्वल है, वो जस्ट बी हमारे लेडी लेडी, क्या 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 लेडी लेडी लगा रखा है भाई, क्या लेडी लेडी भाई, लेडी ये लोग मैन भाई, बोलते सेम सिंपैथी हम भाई। ले रहे हैं, है फिर ये लोग बोलते हैं हम तुम्हारे घर में सिखाते सिंपैथी ले होंगे, रहे इनके घर में सिखाते होंगे भाई कि लड़कियां लड़कियों का ऐसे करो वैसे करो, हमारे घर में तो भाई कुल माना जाता है, सिंपल सी बात है। ऐड हर क्या हैं। करेंगे ऐड करके भाई, दो चार सुनेगी फिर वो कोर्ट रूम वाला सीन हो जाएगा, और वो सब नहीं करना चाहता हूं मैं, ना सचिन करना चाहता होगा। लेकिन जो ये आज और क्या क्या बोल रहे थे लाइव, बहुत बातें बोल लिया भाई इसने, मैं तो भाई कमेंट में करना है कर खुश लो, होके मैंने आज इनकी मुझे लाइव में, तकलीफ है भाई, कर लो हेड। मैं नहीं आऊंगा भाई, मैं और इतना बुरा नहीं कर सकता। और हाँ आज मैंने खैर सॉरी भाई मांगी ये उस चीज के सब लिए कि आई सुनने एम के बाद जेन्युइनली तो खैर सॉरी। भाई पिच पिच मेरे को करना नहीं था घंटा उनसे, मेरे को बिल्कुल नहीं करना था, बट सामने से उसने बोला कि मेरे को दिग्विजय की पिच सुननी है, तो दिग्विजय की पिच सुननी है, तो उस टाइम मैंने सोचा, मैं कहा ये अच्छा गेम ऐसे घूम रही है, अब इसको ये करवाना है और इसलिए ये कर दिया है, और भाई मेरे को भी गेम में एंड तक जाना है, सिंपल सी बात है। और जी मेरे को जेनुअनली बुरा लगा होता, सुन 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 सचिन, मेरे को है ना जेनुअनली बुरा लगा होता कि किसी बंदी के बारे में ना ये बात नेशनल टेलीविजन पे नहीं बोलनी चाहिए थी, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो झूठ थी या वो थी, वो बात थी तो थी, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। इनफैक्ट लाइव इनफैक्ट सुन, आ गई है भाई, दिखी लाइव जरा आ गई जरा है क्या, दिखी लाइव दिखी जरा, और भाई ऐड कर जल्दी लेना भाई। जल्दी सुन यार, ये दिग्विजय ने इतना ज्यादा हाइप अप कर दिया अपने दोस्त को, करूंगा भाई, मेरा दोस्त है, अरे मेरा भाई दोस्त है। भाई हाइप अप करने की बात ही नहीं है। देख भाई राठी, तुझे भी पता है अबे डिसीजन कैसे लेते थे हम लोग शो पे। ठीक है, तुझे भी पता है कह चीजें। रही है वरना उसमें इतना दम नहीं है बोलने का, इसकी अबे एक काम कर, सुन एक कुछ काम बोला कर ही नहीं लेना उसने लाइव पे जरा। है, भाई मैं मैं अग्री नहीं करना चाहता राठी, नहीं थोड़ा नहीं मैं जल्दी। नहीं आऊंगा मुझे इसके साथ पता है पूरा लाइव, सीजन बुरा कैसा हो गया है, जाएगा। मैं बोल रहा तुझे पता है पूरा सीजन कैसा गया है। मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे ये लोग, याद रखियो तेरे को पता है। फिर लोग गालियां दे रहे हैं कमेंट सेक्शन में, उनसे लड़ रही है, उनको गालियां दे रही है। भाई मैं बोल रहा हूँ। ओए 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 सुन सुन सुन, एक बात याद आई, एक बात याद आई, हाँ बोल पिछले बोल बोल। पिछले पिछले डंपिंग ग्राउंड में कोई रो रहा था, चल बोल चली जा रही है, रो रहा था, किसी को बहुत बुरा लग रहा था है ना, खास दोस्त थी। हाँ। आज आइडल मैच बनने के चक्कर में, वोट्स के चक्कर में दिग्विजय बचा लिया, चुलबुल चाहे चुलबुल चली जाए कोई ये देख दिक्कत, राठी, तुझे भी पता कहां है है गेम तो सब दोस्ती। खेल रहा है। देख तुझे भी पता है गेम सब खेल रहा है, ठीक है, बट डिफरेंस है थोड़ा चीजों में। भाई मैंने वोट डाला है उसके लिए ताकि वो लोग आइडियल मैच के लिए जाए राठी, और कितना एहसान करूँ तू बता मेरे को, और कितना एहसान करूँ बता। सारी रिप्लाई दूं इसके यहीं पे ही, दे भाई दे, नहीं तो भाई मुझे ऐड कर लो, मुझे क्यों ब्लॉक करके बैठी हो फिर। अगर इतना ही लाइव आना है मेरे साथ आ जाओ फिर। कह रही है सचिन मेरा मुंह मत खुलवाओ, अबे इतना मुंह खोल दिया और कितना खोलेगी भाई, ये हमने भाई तो मैं बोल रहा हूँ अभी मुंह नहीं तक खोला है। ना राठी, मैं तेरे से बात करता हूँ इस चीज के बारे में, तेरे को हमेशा बोलता हूँ मुझे अगली नहीं करना है, चीजें खराब नहीं करनी भाई है, मुझे तो करना ही नहीं रीजन है था भाई उसके पीछे स्टार्टिंग में, क्योंकि भाई। पता है ब्रो कितना गंदा हो जाता ठीक था। है, बहुत खराब हो जाएगा सिचुएशन, मुझे पता है। आई गाइस मैं डोंट वांट टू अभी से एवरीथिंग। ये ठीक है मैं अभी एक है ना क्लियर कट बात बताता हूँ गाइस, वो बात मेरे को बोलनी नहीं थी वहां पे किसी बंदी के बारे में नेशनल टेलीविजन में, मैं वो बात नहीं बोलना चाहता था, लेकिन सचिन के साथ बहुत गलती हो रहा था, और फिर नहीं समझ आता भाई किसी के साथ गलत हो रहा, फिर निकल जाती है चीजें। मैंने उस दिन 10% बात बोली होगी, 10%, 90% और है, और वो ये यहाँ लाइव में खुल सकती हैं, लेकिन मैं करूंगा नहीं, और मजबूर मत करियो आकृति मुझे, बहुत आराम से मैं तेरे को भाई
क्लियर हुई है चीजें, सब खत्म हुआ है, मत खुलवा मेरा सारा सीन। सचिन तुझे भी एक दो बातें बताई हैं मैंने तुझे बाद में, और जो मैंने इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, सारा चिट्ठा मेरे पास है भाई, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बट वही वाली बात है कि मेरे भाई, मेरे जो जिनके साथ मेरा कुछ भी नहीं है ना, रिलेशन भी नहीं है, मैं उनको अभी भी रिस्पेक्ट करता हूँ भाई, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि लाइफ बहुत छोटी है भाई। ग्रजेस रख के कहा लेके चले जाओगे भाई, नेवर एंड एनीथिंग ऑन अ बैड नोट। खराब हो जाती है ना चीजें, कल को कोई निकल लिया तो बहुत दिल में रह जाती है चीजें यार। तो सही बात है। मैं नहीं रखता भाई ग्रजेस किसी के साथ। मैं तो भाई जिसके साथ बना के रख सकते हैं, जितना लंबा बना के रख सकते हैं, उस चीज पे बिलीव करता हूँ, मैं रिलेशनशिप पे बिलीव करता हूँ भाई। तुम्हें सचिन एक बात बताता हूँ, कोर्ट रूम में ना मैं बोल रहा ही नहीं बिल्कुल, जाके देख लेना, एक दो लाइन बोली होंगी मुश्किल से जो आई है, और वहां पे भी 15-20 मिनट का उस सेशन चला था, तो उसमें से 1.5-2 मिनट मैं बोला हूँगा, बाकी 12-13 मिनट वो बोली होगी। रीजन मैं बताता हूँ क्यों नहीं बोला मैं वहां, लोग कह रहे थे रिप्लाई करो, ये करो वो करो। द रीजन वॉज कि मैंने अगर बातें खोली इशिता के बारे में, और मैंने बहुत बातें बोली, ठीक है यार गलती दोनों साइड से होती है, उसकी साइड से भी, मेरी साइड से भी, और मुझे उसकी साइड से भी बहुत गलतियां थी, बहुत गलतियां थी। लेकिन मुझे पता था कि जब वो शो एयर होएगा ना, तो उसके मेंटल हेल्थ पे कितनी कितना क्या असर पड़ेगा, बहुत बुरा असर पड़ेगा। और अभी भी शी वॉज नॉट इन द राइट स्पेस, कुछ टाइम पहले हुई थी मेरी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, और मेरे को था कि मैं हेट हैंडल कर लूंगा भाई, मैं एक शो कर लिया है, मुझे पता है जब इतनी गालियां आती हैं या कुछ आता है, वैसे गालियां कभी ज्यादा आई नहीं है, बट फट जाती है लिटरली। इस वजह से मैंने वो इशिता के ना मैंने लाइव पे आगे कुछ बोला ना वहां बोला, क्योंकि मुझे पता है कि भाई लड़कियों को कैसे, फिर लड़के जो इंडिया के हैं ये वो गालियां देते हैं और कितना गंदा गंदा बोलते हैं, चाहे जो मर्जी हो यार आकृति का, जैसा मर्जी हो, बट भाई जब इतनी गालियां उसके वहां आती है ना भाई, नहीं अच्छा लगता भाई, अब मैं ना चाहे जो मर्जी हो राठी, ब्रो। राठी मैं तेरा पॉइंट समझ गया, मैं वही लेकिन बोल भाई रहा हूँ। इसलिए खुद मैंने खुद भी ऐसी आगे हरकतें क्यों कर रही है यार भाई, ये? मैंने स्टोरी पे जाके खुद बोला भाई, लड़कियों को गाली देना बंद करो। देखिए ये रोहित है राठी, ये रोहित है, मेरा दोस्त है, ठीक है रोहित, तू क्या मिला हाल होगा है मौर्य को, ठीक रोहित? है। तो अभी सीन क्या है ना, जिस दिन वो कॉल वाला सीन हुआ था ना, ये मेरे साथ में था थ्रू आउट भाई, इसको सारी चीजें पता है। दूसरे तीसरे दिन तक मैं कैसे रहा हूं ना इस घर में, मुझे पता है सारी चीजें, ठीक है। तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लोग शो देख के ना हंस रहे भाई उसके ऊपर, बोल रहे भाई कैसी बातें कर देती है यार। अरे सही, ये मुझे एक बात बता, पूछ सचिन उस दिन क्या हुआ अच्छी था। बात बताए क्या होगी, कि हाँ इसने रोडीज भी किया था, कितने आधा सीजन किया था, उसमें दिखेगी नहीं है, दिखेगी सचिन और मेरी भाई, वजह इसका से, गेम जाके प्ले, देख लेना। दिख रहा है क्या गेम प्ले है पता है? रोडीज में कोई और पैर और स्प्लिट फिलर में कोई और पैर, ये इसका गेम प्ले है। सचिन मैं तेरे पहले बोला था, मैं कहा तेरे साथ इसका खत्म हुआ है ना, कोई ये नहीं हुआ कि उसको बुरा लगा, ये लगा, उसे आता था भाई स्प्लिट्स में, और उसे वो बाहर चीज दिखानी थी कि वो सिंगल यार है। देख राठी, मैं सच बताऊं, मुझे ना उस चीज को रोडीज के लेकर, टाइम 3-4 महीने फायदा उठाया, रीले रूले बनाई, सब डांस वांस हुआ, उसके बाद बात बंद तेरे से, एक रात तूने इतनी कॉल्स करी है, जो करी भाई, गुस्सा वो हुई पता थी। है क्या एक नॉर्मल अगर है मन में फीलिंग्स होती है तो, ओए लक्ष्य पूछ रहा है थर्ड कंटेस्टेंट कौन है, ये भी है भाई, इसे लक्ष्य इसे ना, तुझसे तो ज्यादा भाई बातें था बता भाई रही है इसके यार, और भाई आकृति के बिना की। लक्ष्य भी है क्या थर्ड लक्ष्य क्या ऐड करे। भाई, किसी के लाइफ आने अच्छा का। ठीक है ओके। तो गाइस सुनो मेरी बात, अभी सारी बात मैं एक बार बता देता हूँ, कि रह गई बात मेरे सोचने ना सोचने की, उसको हेट देने ना देने की। भाई जो मैं फील करता था मैंने हमेशा एक्सप्रेस किया है, चाहे वो रोडीज हो भाई, चाहे वो किसी भी तरीके की चीज रही हो, मैंने हमेशा मेरी फीलिंग्स रखी है उसके सामने, ठीक है। और बात रह गई, अब मुझे, मैं कहानी को ना सिर्फ एक तरीके से देखते रहूंगा ना, तो मुझसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं है भाई। मैं कहानी को अब दूसरे पहलू से भी देखना चाहता हूँ भाई, और मैं देखते आ रहा हूँ, कुछ कुछ टाइम से देख रहा हूँ, कुछ एक्शन देख रहा हूँ, कुछ वीडियोस देख रहा हूँ। इंसान का रूप ना इतना चेंज नहीं होता सडनली भाई, इतना ज्यादा कोई चेंज नहीं होता है। मतलब 10 दिन में आपको प्यार हो गया, दस सचिन दिन में तुझे आप आशिकी में बोलने की पड़ भी गए। जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये सब तुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है, ऑडियंस बहुत समझदार है, सब समझ रही है वो, और किसी ऑडियंस को ना समझ आ रहा हो तो इसका भी कमेंट सेक्शन देख लेना, मेरा भी देख लेना, और उन मैडम जी का भी देख लेना। इसलिए हम ये लाइव भी नहीं करना चाह रहे थे कि वो जो 1,000 गालियां आ रही है वो 2,000 ना हो, 5,000 ना हो, बट अब इतना कर रही है तो फिर हम भी चुप। वही मैंने बात है ब्रो, मैं स्टार्ट नहीं करता, और ना मतलब मैं सचिन को भी रोक रहा था कि हम स्टार्ट नहीं करना चाहते थे इस सब में, बहुत डर्टी नहीं जाना चाहते, बस हम चीजें नॉर्मली क्लियर करना चाहते थे, वो हमने एक लाइफ पे किया 2-4-5 मिनट और बस करो। ठीक है गाइस, मेरी भी बात सुनो अभी ध्यान बंदे लिख से रहे हैं भाई। मजा नहीं आ रहा, अरे मजे मजे के लिए थोड़ा ही कर रहे हैं देखो भाई, सच सुनना है तो ये देख लो लाइव, और बाकी तुम्हारी मर्जी है। अगर आपको लोग तो सपोर्ट मजे ले करना है रहे हैं जिसको भाई, आप ये बात सपोर्ट है। करो, मैं तो भाई अभी आप पूरा सीजन देख लेना, बात उसके बाद करेंगे, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, बाकी जो भी अपडेट रहेगी वो देते रहेंगे तुमको। बड़ा मूड खराब।
बट यार आज आज लाइफ देख के ना बड़ा मूड खराब हुआ सच में। मैं तो ऐसा हो गया कि मैं यार मैं तो प्यार मोहब्बत बांटने जा रहा था, थोड़ा भाई बोलता तो भाई यार ट्रस्ट में गलती हो गई मेरे से, माफ करना गाइस। मिस्ट्री बॉक्स का ही मुद्दा क्लियर कर देता हूँ गाइस, ट्रस्ट मी, ये लोगों की आवाज पीछे से नॉन स्टॉप आ रही थी और मुझे ना जब वो लिखा हुआ था मेरे साथ ऐसा कंफ्यूजन हो गया कि मुझे लगा कि सामने वाली टीम को हरा कर तुम सेव होना चाहते हो, ऐसा लिखा हुआ उसमें, तो मेरे साथ कंफ्यूजन हो गया। भाई तुम लोगों ने पूरा रोडीज फॉलो किया होगा, मैंने हमेशा यार अपना दिल और जान से परफॉर्म किया, और मैं भाई आर्टिस्ट हूँ, अपने आर्ट के साथ ऑनेस्ट हूँ, अगर मेरे काम में ऑनेस्टी नहीं होगी तो कोई लाइक नहीं करेगा भाई। तुम्हें एक और हाँ बात बता देता हूँ, मैं एक 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 वैलिड बात बोलता हूँ गाइस। हमने रोडीज किया हुआ है, हमें पता है कौन सी चीज बाहर कैसी दिखती है, अच्छी दिखती है बुरी दिखती है। उस टाइम है ना, पता है क्या होता है सबसे ज्यादा इंसान के दिमाग में, ये जो आकृति वगैरह और के दिमाग में भी बड़ा दिखना होता है वहां पे सचिन, सब सबको अच्छा दिखना होता है। और सही में हमें फिक्र नहीं होती उस टाइम पे कि हम निकल जाए या क्या कर ले। उस टाइम ये 100% नो कर देता, सॉरी यस कर, मतलब वो इम्यूनिटी नहीं लेता अगर इसको सही में वो चीज समझ आई होती तो। क्योंकि पता है भाई बाहर जो हेट आ रही है वो हमें पता होता है भाई कौन सी चीज कैसे दिखेगी, इतने डम नहीं है। अबे यार और यार अबे हराना चैलेंज में बहुत आसान होता है भाई, किसी को 3 में से 1 बंदा भी ना परफॉर्म करे आराम से हार जाओगे। अबे जाता ग्लास नीचे फेंक देता अपना जो जूस वाला, उसके बाद एक जूस का ग्लास पीना था ना, जब अच्छा तुम सीधा एक चीज, लॉक मैं खोलने एक चले चीज गए। बोल देता हूँ, अबे वो चीटर्स, अबे चीटर्स, मैं जीतता उसमें, ब्रिज पे भाई, मैं जीतता उसमें। ब्रिज पे कितने लोग गिरे हैं भाई, कितने बार गिरे हैं यार, हम लोग तो एक बार भी नहीं गिरे। अरे अगर बैठ जा, मेरा इंटेंशन हराने का ही होता तो भाई अबे मैं तो नहीं सुन, जाता ब्रिज पे अच्छे से फिर। थर्ड स्टेज में दोबारा एक जूस का ग्लास पीना था, जूस का ग्लास ऐसे लेके ऐसे फेंक देता, क्या पी नहीं रहा हूं, चैलेंज खत्म, रद्द, जीत गए और तू सेफ, सिंपल ब्रो। यार मत करो गाइस, अगली मैं तुमको फिर बोल रहा हूँ मत करो भाई, ट्रस्ट मी मत करो, नहीं तो मूड खराब हो जाता है फिर अंदर से ना, ऐसे लगता है कि अंदर का मुराद बाहर आ जाता है फिर। सचिन वैसे उस दिन तुझे मुझे जिता देना चाहिए था भाई, तू भी सेफ हो जाता, तू भी सेफ हो जाता, मैं जीत जाता, हम सेफ होते, आइडियल मैच के लिए भी ना जाते, सारा गेम के डायनामिक्स चेंज। अबे यार ये सिवेत को देखिए क्या बोल रहा है। ये बोलने दे इसको, इग्नोर, इसको रिमूव कैसे करते हैं, कहां से होगा रिमूव? अरे यार ये लड़ता है यार, ये लड़ता है, बहुत लड़ता है साला, आरामी। ओए क्या कह रहा था आज, कह रहा देख लेना, क्या मैं बोलना चाहता, देख लेना किसको लगी है। ओए एक और इस पे बड़ी पुतू बात करी आज एपिसोड में, वो वहां भी मेरे ध्यान आई थी, मैंने बोली नहीं। कह रहा 9 कॉम्बिनेशन होते हैं भाई, 3 नंबर के 6 कॉम्बिनेशन होते हैं, लिख के देख लो। अभी रोडीज में भी तालो वाले वो करवा कराया है चैलेंजेस, फिर भी कह रहा 9 कॉम्बिनेशन होते हैं, साले 6 होते हैं। बना के देखा अभी, 1 2 3 छह के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे कॉम्बिनेशन लॉक के, 6 होते हैं, 9 बोल रहा है, 9 आया हुआ टीवी में। मैं कहा पगला, मैं कहा ये तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, रोडीज में ही प्रिंस भाई ने सिखा दी होगी, फिर भूल गया अभी साला। तो तुम दोनों का चालू हो जाएगा फिर इधर। पर गाइस देखो, जो लोग बोलेंगे उसका जवाब मिलेगा। अब तक बहुत शांत बैठा हुआ था, बहुत सारी चीजें अंदर रख के बैठा हुआ था, क्योंकि शांत तो तू मैं इन नहीं सब, बैठा था, ये भी ज्यादा अरे बड़ा बट भी मैं मत बोल रहा हूँ बन। मेरे सेंटिमेंट्स थोड़े अलग लेवल पे चले जाते हैं उस जोन में, तो वो जोन थोड़ा भी साइड रख के लगता है, थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा कुछ चीजों के लिए। आजा तो कल दिल्ली आ रहा ना, कल मिलते हैं, चलो ओके कर ले, तू कर ले बातें, मैं बोलने लगा बहुत बहुत ज्यादा बोल दूंगा। चलो ओके, एंजॉय, चिल, चीयर्स, बाय, चीयर्स। बढ़िया। अबे चिल कर यार, सुना नहीं आज बोला है एपिसोड में, चिल कर यार, सब चिल करो यार, मौज लो। चिल चल रहा ठीक, ओके बाय। चिल, चलो ओके मैं। गाइस देखो सुनो, व्लॉग व्लॉग तुम देख रहे हो, बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम लोग इतना प्यार दे रहे हो। अरे क्या हाल है लोटे? किसकी भाई तबीयत ठीक नहीं है यार, उसकी रूह की। ओ अच्छा गाइस, लेट मी टेल यू ऑल, हर्ष और रोशाली ने एक क्यूट सी कैट लिए, इसका नाम है रू। रू इसलिए क्योंकि रोशाली का रू लिया है, और हाँ इसलिए क्योंकि हर्ष क्या लिया है, तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको अभी बतानी थी। सचिन तूने एक चीज नहीं नोटिस की आज के कल आज वाले अपने कल वाले परफॉर्मेंस में जो मैंने आज लाइव में बोली, तो अपनी फुटेज उठा के देख, उसमें क्या था कि तूने वो वाले ग्लासेस पहने हुए थे, वो वाले
टिप्सी ग्लासेस हाँ भाई, और तूने वो बॉक्स जब तक खोला, जब इशिता ने तुझे बोला कि बॉक्स दे दे, फिर तूने ग्लासेस हटाए और उसके पीछे से आकृति और वो लोग बोल रहे थे और जल्दी जल्दी में तूने वो किया, तू साले चुतिए कुछ भी बोल देता। तूने वो एपिसोड देखा अपना? सुन सुन मेरी बात, मैं समझ गया भाई, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे साथ जो मेजर प्रॉब्लम हुआ ना, वो तो चल मैं ग्लास पहन के चला गया था ठीक है, बट क्या हुआ ना, बहुत जल्दबाजी जल्दबाजी के चक्कर में ना मैं कंफ्यूज हो गया भाई, मतलब मैं जेन्युइनली मुझे नहीं समझ में आया, नहीं तो भाई मैं क्यों जिता था यार भाई। लाइफ में ना पहला रियलिटी शो किया बट सबक ले लिया कि स्टैंड नहीं लेना चाहिए सबका। साले जिसका स्टैंड लो वही आगे मतलब कुछ ना कुछ बोल के जाते हैं। पर गाइस बहुत शांति बना के रखी है चीजों को लेकर। मैं हर्ष को पूछ लो यार, मैं हर्ष को हर्ष तेरे को पता है कितने बार मैं तुझको बोला यार नहीं करना है मुझे चीजें भाई, नहीं मुझे चीजें बोलने नहीं अच्छा लगता है यार, मतलब यू नो बार बार लोग इतना ऑलरेडी सारी चीजें बोल रहे हैं, मैं इसको हर बार बोलना छोड़ यार जाने देते हैं नहीं अच्छा। अगर यार सच्ची नहीं ये बात है, अगर तू स्प्लिट फिल्म में डायरेक्ट आया होता तो गेम कुछ और होती। कोई बात नहीं भाई, गेम तो तेरे को पता ही है, फिर जबरदस्ती और नए शेर शेरनी कैसे लगे तुम्हें? No comments on that. भाई मेरी कोई फेवरेट कोई नहीं है भाई, लिटरली क्या हुआ देखो गाइस, इस पे मैं क्लियर कर लेता हूँ, जो सचिन वाली बात थी वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के लिए थी, वो मोमेंट था ऐसा जब मैं सचिन को जानता नहीं था। भी आ गया, लक्ष्य कुमार भी आ गया भाई, लक्ष्य कुमार नेटवर्थ आ गया, नेटवर्थ अबे कहाँ है भाई तेरा, ये कहाँ गोला बना रहा है भाई, लक्ष्य तू दोबारा ज्वाइन कर बाबू, लक्ष्य की वजह से लाइव अटक गया यार। गाइस देखो बट यार गाइस एक बात है, सचिन अब भी दिग्विजय की बात बोल के गया, दिग्विजय ने बोला मैंने 10% बात बोली 90% नहीं बोली, दिग्विजय 90% कब बोलेगा ये बताओ, रियलिटी शो में आना पड़ेगा फिर, हर एक चीज का टाइम है, दोबारा ऐड कर रिक्वेस्ट भेज दोबारा। ठीक है यार, ठीक है सब अच्छा है भाई, सर दर्द हो गया भाई तेरी कसम, लाइव देख के सर आधा सर तो धरी दर्द हो गया था लाइव देख के। अरे भाई ये था, ये लोग थे चश्मे तो आकृति दोनों लाइव, फालतू की बातें, मतलब वही, मतलब भाई एक तो एपिसोड में इतना वीडियोस में इतना घमंड, इतनी बातें ऐसी, मतलब रेज है, मतलब बातों का ना ऐसे कुछ भी बोले जा रहे हैं, बस अनुल जुलुल बोले जा रहे हैं भाई, वो एपिसोड देख के ना पूरा दो चैलेंज परफॉर्म कर लिए ना, वो भी जीते किसकी वजह से पता है, आगे वाले भी तो चैलेंज आएंगे नहीं आएंगे? हाँ भाई आगे भी तो आएगा, आइडिया मैच थोड़ी 24 घंटे तुमको पता है सीजन, फिर भी तुम ऐसी चीजें करते हो, मतलब मूड खराब हो जाता है फिर देख के ना, आएगा ना, वक्त सबका आता है भाई, वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, कोई बात नहीं, याद है लाइफ में तो सबकी भी तो मरेगी। नहीं भाई मुझे तो बढ़िया है, लोग अच्छा समझ रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है पूरा सीजन, बढ़िया तरीके से लोग भाई ऑब्सेस नहीं हूँ, मगर जिस हिसाब से बच रहे हैं लोग, तुम लोग इतना बचते हो है ना, मैंने यार हर्ष मुझे एक बात बता, अभी तक भी मैंने खुद ने जाके बोला लाइव स्टोरी पे कि भाई गालियां मत दो, नहीं अच्छा लगता है, फैमिलीज को मत इन्वॉल्व करो, श्वेत की मम्मी की मैंने वो वीडियो देखी, उस दिन मेरा मूड खराब हो गया। हाँ भाई नेटवर्थ, हाँ जी कैसा है, मतलब कैसा चल रहा है नए शेर शेरनी के बारे में कुछ बताओ, क्या चल रहा है, इतनी देर से समझ नहीं आ रहा मुझे, मैंने कहा नया शेर शेरनी आया बीडी में आया, भाई क्या लक्ष्य यार, मतलब मैं लाइव देखकर आया यार, सच में इनकी मेरा तो दिमाग खराब हो गया भाई। लक्ष्य का दिमाग खराब हो गया, लक्ष्य का दिमाग भी खराब हो गया। और यार हर्ष फिर ये लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे बारे में बात करते रहता है, हमारे बारे में बात करते रहता है, मेरे दम पे शो पे आया है, अरे यार क्या फोड़ू मैं, मगर सचिन एक बात है इसको छोड़ दे, आगे तुझे भी पता है क्या होने वाला है, कितने लोग तेरे दम पे आएंगे। भाई क्या है ना,
यार ये बहुत बढ़िया था भाई, अभी मैं बहुत शांत हूँ, लोगों को नहीं पता क्यों शांत हूँ, लेकिन अभी मैं शांत इसलिए हूँ क्योंकि गलतियां मुझसे भी हुई है। पास्ट प्रेजेंट पे जाओगे तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास भी बोलने के लिए, पर मैं अभी नहीं बोलूंगा, मौका मिलेगा जैसे तुम अपना मुंह खोलोगे तो मेरे मुंह से भी बातें निकलेंगी, दैट्स इट। अभी हो गया बहुत ऐसे कि भाई चलो ठीक है सोच लिया चीजें, और मैंने यार कितना किया है भाई, कितना जितना कर सकता था उतना किया है भाई, कभी भी आज भी वोट डाला हर्ष मैंने, मतलब मैं इस बात चौथी बार बोल रहा हूँ, ये तो मैंने तुझे उस टाइम ही बोला था कि सचिन तुझसे एक्सपेक्ट नहीं था भाई, लिटरली मैंने तुझे उसी टाइम बोला था ना, मतलब मैंने लिटरली तुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया था तू भी यशवंत आकृति को वोट डालेगा। ये देखो नए आ गए इनके फैन पेजेस आ गए, देखो यार खुद ही बैठ के कर रहे हैं कमेंट्स। देखो मैं ना लिटरली बताता हूं, जितने फैन पेजेस हैं या कुछ भी है, मेरी बॉन्डिंग उस टाइम जशवंत आकृति शिवित अनिका एडी इन लोगों के साथ थी, क्योंकि स्प्लिट फिल्म में हम लोग सब साथ में थे है ना, और एकदम से एक्स वाले आए और मैं किसी को जानता नहीं था, तो वो था कि हमारी बात नहीं हो पाई ज्यादा, तो हम जानते नहीं थे, तो हम लोग ने रिएक्ट किया उसी मोमेंटम पे। अगर सिर्फ गेम को खेलना होता तो मैं दिग्विजय को सेव करके ना वो गेम पलटा देता, बहुत सारी चीजें हो जाती। अरे यार क्या बोले गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे से सीजन फॉलो कर रहे हो, एंड मैं देखो अगेन तुमको बोल रहा हूँ वापस लक्ष्य कर रहा हूँ फॉलो सीजन, लक्ष्य तो लाइव फॉलो नहीं कर रहा, कर पा रहा है अच्छे से अभी लक्ष्य, तेरा नेटवर्क पता नहीं क्या हो रहा था भाई, नेटवर्क की इशू आ रहा था बहुत तगड़े वाला, नेटवर्क की इशू आ रही है। ओ माय गॉड, कुछ चल रहा है कशिश हो तुम्हारा, मुझे देख के कॉल कर रही है, चल रहा है तुझे देख के कॉल कर रही है, अबे बेवकूफ कहीं के, ये कहां से बाल कटा के आया है, ये कहां से फावड़ा लगवा दिया साइडों से, अबे भाई लाइट वाइट में दिख नहीं रहा ठीक है, लोगों को मैंने भेज दिया अपने, मतलब मेरे जो लोगों को भेज दिया मैंने, ये तो ये सब तो ठीक है, बाल कटाए सही है, आंखों पे कैची किसने चला दी तेरे, सिंपल रहा तू भूल गया क्या मैं चार्ली पुतू, तू भूल गया क्या मैं चार्ली पुतू, चार्ली पुत। बट कैसा लग रहा है लक्ष्य, कैसा लग रहा है एपिसोड? बाबा बढ़िया लग रहा है मुझे तो, मैं तो अभी तक सचिन का देख लिया लाइव, देख लिया कशिश, देखा मैंने लाइव, पर लक्ष्य भी ट्रैवल वीजा पे है, टूरिस्ट टूरिस्ट वीजा पे है, अभी आएगा मेरे वाला वो ना पूरा परमानेंट स्टैंप लगेगा भाई, जब लक्ष्य आएगा ना वो भी अलग ही सीन है, बाप रे गाइस, अभी लक्ष्य तूने लाइव देखा क्या आज, तूने लाइव देखा लाइव? नहीं, कौन सा लाइव है, क्या है, इसने नहीं देखा, तूने तूने तु, तु, भी नहीं देखा क्या? अच्छा तू तो फॉलो नहीं करता यार, अच्छी बात है। आ, तुम भी चला दे। और यार ये जशवंत क्या मतलब अंडर, ये डॉन वन है क्या? एक सेकंड मैं, ये जशवंत का डॉन वन है क्या, ऐसी बातें कर देता है लाइव में भाई? नहीं यार पता है, अभी लाइव वाली बात छोड़ो, अब मैं बस एक बात बोलूंगा, शायद कॉन्ट्रोवर्सी हो जाए उसके बाद, बट मैं बोलूंगा गेम खेलनी है ना तो मुंह पे खेलो। अच्छा चलो ये वाली तो चलो दिग्विजय को बचाना, ये तो सबको समझ में आ रहा था कि इसलिए तुमने बताया, क्या है ये कोई गेम नहीं है, लेकिन मुंह पे मीठे बन के वीडी पे कुछ और बोलना ये मेरा स्टाइल नहीं है, मेरी जिससे लड़ाई होगी उसके मुंह पे भी बोलूंगा वीडी पे भी बोलूंगा, सचिन ने भी यही किया। एक चीज हर्ष मैं बोल रहा हूँ, डेवन भी बोला था जिस दिन तुम लोग हंस रहे थे कि आई एम हियर फॉर द गेम, यस गाइस आई एम हियर फॉर द गेम, कुछ मेरे इमोशंस थे, कुछ चीजें होती है ना जब आपके साथ लाइव होती है 4-5 महीने के साथ, सबके चीजें बाहर आ जाती है ठीक है, डे वन भी बोला था, उसके बाद भी जब मैंने इंटरव्यू दिया उसमें भी बोला आई एम हियर फॉर द गेम, आई एम इन इट टू विन इट गाइस, बस गेम के लिए था भाई जो भी था। तो सचिन जीत तो गया, तू इतना यार हद हो गई, कैसी बात कर रहा है सचिन भाई, यार फिनाले जीता है, ओ फक, मैं बोल लेना हर, तेरे को मना किया कितनी बार, मना किया भाई, अरे यार इसीलिए मेरे को मना किया लाइव नहीं आने के लिए, मुंह से निकल रहा है बस एक भाई, एक बात है गाइस, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, सचिन एक ऐसा बंदा है जिसने पूरा सीजन निकाल दिया बिना खड़े हुए विदाउट टेकिंग स्टैंड,
एक बात बताओ मस्ती, तुमने अपने तुमने अपनी डियर डार्लिंग का लाइव देखा है? अभी अभी रीसेंट वाला, अभी जो हो रहा है? नहीं रीसेंट वाला तो मैंने अभी देखा, क्योंकि मैंने तुमको लाइव देखा तो फिर उसका कमेंट मुझे बताया कि वो लाइव है जो उसने वो लाइव देखा नहीं, उसका दिमाग खराब हो गया, वो कुछ भी बोल रही है अभी। क्या बोल रही है? अभी कल का जो एपिसोड देखा मैंने तो सी आई एम वेरी अपफ्रंट अबाउट हाउ आई फील। मैंने बहुत क्लियरली बोला कि जब नायरा ऑलरेडी इतनी लो है, व्हेन शी इज लिटरली क्राइंग, उस समय तुम्हें उसे नहीं टोकना चाहिए। उस समय वो रो रही है फूट फूट के, तब तुम जाकर, और वो खुद से कह रही है कि हाँ मुझसे बेवकूफी हुई, तुम चढ़ रहे हो उस पे, अभी भी बेवकूफ हो, आगे भी बेवकूफ रहोगे, तुम सिर्फ श्री के कारण शो पे आई हो। तो आई सेड अगर वो सिर्फ श्री के कारण शो पे आई है तो वो आकृति भी सिर्फ अपने पुराने रिश्तों के कारण स्प्लिट पे आई है। उसने रोडीज पे कम रिश्ते बनाए थे, अलेजेडली उसका रिश्ता शिवी भी था, अलेजेडली उसका रिश्ता दिग्विजय भी था, अलेजेडली उसका रिश्ता सचिन भी था। तो अगर नायरा शिवी के कारण आई है तो आकृति भी इन्हीं तीन लड़कों के कारण आई है, तो नायरा को ये बोलना गलत है। दैट्स ऑल आई सेड। इसमें मैंने कोई कैरेक्टर असैसिनेशन वाला तो कुछ नहीं बोला। अभी लाइव पे कह रही है कशिश मेरे बारे में, कल लाइव पे आके इतनी बिलो द बेल्ट गंदी बातें कर रही थी, मैं बोलू मुझे कह रही है कि पुराने रिश्ते, अपने रिश्ते संभले, इसके इसने शो पे क्या किया, हम सब ने देखे क्या किया। मैंने दो लड़कों ने मुझे पसंद किया, मैंने रिजेक्ट किया, तीसरे वाले के साथ में थी, जो भी हुआ उसके बाद भी सेम स्टफ लाइक कि जब उसका लिटरली दिस वाज हिज लाइफ, जब उसका एडी के साथ ये सब हुआ था, मैंने उसका स्टैंड लिया था। और अभी जिन लोगों के साथ उसकी नई नई दोस्ती बनी है, पॉइंटिंग एट यू पीपल, आई डोंट नो हु एग्जैक्टली बट सचिन यू मोस्टली, जिन लोगों के साथ उसकी अभी नई नई दोस्ती बनी है, उसने उसके बारे में इतना गंदा गंदा बोला था, अगर मैं बता दूंगी तो रो देगी। अभी वो सचिन को जानती नहीं है, नई नई दोस्ती बनी है ना चार दिन की चांदनी, अभी जिनके साथ इनकी दोस्ती हो रही है उन्होंने बोला था मैं ही थी जिसने उसका सपोर्ट किया था। Wasn't Akriti the one जिसने first video में मेरे बारे में कहा था क्यों नहीं लड़के पसंद करेंगे कशिश को, उसको फर्क ही नहीं पड़ता लड़के सिंगल है या नहीं। And then she's the one saying, फिर हर्ष तेरे बारे में बोल रही है, दिग्विजय के बारे में बोल रही है, तेरे बारे में तो बोल ही रही है, what is all this? मेरे बारे में क्या बोला आकृति ने? क्यूटू ने अरे माइंड गेम्स हमसे सीखे कोई खेलना, मुझसे पंगा लेना है ले लो, जसवंत से मत लेना, जसवंत दिमाग लगाता है, वो ये कर देगा, वो कर देगा, हमने सबको दिखा दिया, कहाँ दिखाया, मुंह पे भाई भाई, मुंह पे दोस्ती, मुंह पे भाईचारा, और पीछे जाकर के तुम गालियां दे रहे हो, हाउ इज दैट फेयर? जब उसने ये वीडी दी थी तब तो आकृति और मैं दोस्त थे ना, मैं तो कभी उसके बारे में वीडियो में तो आप तो कुछ भी नहीं बोला ना उसको, जबकि कशिश ने मेरे बारे में। अरे यार बोला, मैंने तो बोला। हर्ष मैं एक बात बोलता हूँ, एक ऑनेस्टली एक बात बोलता हूँ यार, सुनो अभी मैं, अभी मेरे को ना ये चीज बहुत बुरी लगी, दो तीन एपिसोड ना मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैं अवॉइड कर दे रहा हूँ, मेरे जो दोस्त आकृति को जानते हैं जिन्होंने के साथ उसने टाइम स्पेंड किया है, दे आर वॉचिंग एपिसोड, बोलो बोलो चुप रहे एक सेकंड, वो लोग बोल रहे हैं कि भाई कैसा चेक कर रही है, मतलब वो भाई लोगों को रियलिटी पता है ना यार, आप आपका फिर या तो चार महीने आप फिर तब फेक कर रहे थे या तो चीजें यार। हमने वो वीडियोस देखे, ओ दिग्विजय भी है इसमें, हाँ मुझे अच्छा लगता है, वो वीडियो हम सब ने देखा है। अरे तूने कशिश उसको वो नहीं बताया आकृति को, लाइव पे जाके कमेंट कर दीजिए कि अपने बंदे से बोल दे, पहले बोलना तो सीख ले। मैं बोल रहा था कि तेरा बंदा तो मुझे कह रहा था कि वी कैन आल्सो बी अ वाइबल कनेक्शन, इतना ही प्यार था तो क्यों बोला, फिर बाद में क्या, फिर बाद में बोल दिया तुम लोग मुझसे जा रहे हो, मैं जा रहा हूं लाइव से, मैं न्यूज़ लाइव में, अरे लग गया चुप, इट इज ऑल इन द अनसीन अनदेखा फुटेज, ओके यू ऑलरेडी है बाहर, रिटेलिंग कर रहे हैं, पांचवा कंटेस्टेंट आ गया, पांचवा कंटेस्टेंट आ गया, इतना सीरियस है। हेलो हाय रिटेलिंग, किसकी बुराई हो रही है, किसकी बिचिंग हो रही है? अरे नहीं ये बिचिंग आज लाइव में कर रहे हैं, तुमने देखा लाइव अपने अकाउंट से दूसरों के अकाउंट? अरे यार मैं तो, मेरे पास इतना टाइम है नहीं टू बी ऑनेस्ट, इनकी लाइव फॉलो करती हूँ ना गाइस, हाथ उठा के बात करो। ओके मैं बोलूंगा कशिश, मैं ना मेरे को इतना फर्क भी नहीं पड़ता इनकी लाइव वाइज, तो हिमांशु लेके बैठा था, तो बैठ के बात कर, चेक कर रहा था, बैठ के बात कर रहा हूँ, तू अंधेरे अंधेरे से बाहर निकल पहले। हाय लक्ष्य, हाउ आर यू ताली, कैसे हो? इज अ गोवा ट्रिप क्रेजी थी, क्रेजी आई हर्ड, मैंने सुना एक्सीडेंट हो गया। अबे भाई तुझे ये चीज लाइव पे बोल रही है, साले चुप हो जा। कैसे हुआ ये, कैसे हुआ एक्सीडेंट यार लक्ष्य? अबे किसका हो गया भाई, मुझे क्या पता, दो लोग गिर गए थे खाई में मैंने सुना, खाई में गिर गए थे मैंने सुना, लक्ष्य से प्यार में गिरता है खाई में। ओ सॉरी सॉरी, कॉल इन लव हो गया, कशिश व्हाट
तुम बोलो तो मैं शर्ट उतार दूंगा. जिसका कोई लक्ष्य नहीं है उसका कोई लक्ष्य नहीं. एग्जैक्ट सही बात है. जिस लड़की का लक्ष्य नहीं है उसकी लाइफ में ये लक्ष्य नहीं है. लॉट्स ऑफ लक्ष्य. मेरा लक्ष्य तो लक्ष्य को पता ही है कितना स्ट्रॉन्ग है कि नहीं. तू आ रही है कल, तेरी तो 12 बजे की फ्लाइट है, तेरा लक्ष्य पूरा देखेंगे. ओए सुन, हेलो, मैं भी आ रहा हूं भाई कल. अरे ओए तू दो दिन रुक जा, पहले मेरी बात कर. हमने दो दिन बाद हम भी आ रहे हैं. हम भी आ रहे. इंटरटेनिंग लाइव होती भाई सही में होगी. बिकॉज अब हमने बहुत चीजें. तुमने सडन अकड़ चेंज देखी. अब हम आईजी मैच बन गए. अब हमारा कोई इतनी अकड़ तो अब बस तालियां बजा. लिसन टू मी, इतनी अकड़ तो मैंने और हर्ष ने भी नहीं दिखाई थी. तो हम आईजी मैच बने. हम कितने सीधे साधे बच्चे वहां खड़े हो गए हाथ में हाथ पकड़ के, और हम जीते भी. जब इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई थी क्या रात तो हम मार देंगे. हम तो मतलब क्या. तो रुशाली आपको फुटेज लेनी नहीं आती ना इसलिए. एक सेकेंड, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे को ना एक जशवंत का समझ में नहीं आता. वो वीडियोस में लाइव इसलिए लप्पू दास सचिन बोलता है और लाइव में इसलिए बोलता है क्योंकि मैं वहाँ पे होता नहीं हूँ सामने. मैंने हमेशा उसको सपोर्ट किया ईच एंड एवरी टाइम सबके अगेंस्ट. शंकर के भी इफ दे नीडेड इट आई ऑलवेज सपोर्टेड हिम. आपने सिर्फ सपोर्ट किया. उसका मुझे काफी दुख हुआ. लेजिट वो मुझे बुरा लगा. आई एक्सपेक्टेड हिम टू से समथिंग और नॉट से एनीथिंग. देख पता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आकृति जो गेम खेल रही है सही खेल रही है, बट पता है क्या ना, बहुत अननेसेसरी वीडियोस में नहीं होना चाहिए था. Exactly. जबकि अगेंस्ट मैंने उसके लिए कुछ नहीं बोला. Exactly. जिसमें ये चीज किया और वो अगेंस्ट अगेंस्ट बोल रही है. और यही होता है. हमें प्रॉब्लम होती तो हमारी रियलिटी कुछ तो बता दे कि वी आर टॉकिंग, ओ शिट, वी आर स्कैर्ड, ओ अब हम इनको टक्कर देंगे. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं यार, बनो तुम खेलो. अरे मुझे तो पता भी नहीं था आइडियल मैच करते क्या है. अभी छोड़ते हैं इस मुद्दे को, निकालते हैं, साइड निकालते हैं, छोड़ देते हैं इससे. टेंशन थोड़ा अलग कर देते हैं. मैं जा रहा हूँ खाना खाने. भी बहुत जोर से भूख लगी है. हाँ यार, खाले ब्रो, खाले. कल क्या कर रही है? कल मैं जरा कुछ बहुत ही खास इंसान से मिल रही हूँ. कौन है कशिश? वो खास. थैंक यू कशिश, खास बुलाने के लिए. हर्ष को मैंने अपना लक्ष्य तय कर रखा है. बट ये बात किसी ने सही कमेंट की है, कशिश कैन ईट 100 आकृति फॉर ब्रेकफास्ट. अरे यार तुम लोग फुटेज दे रहे हो यार फिर से. यही गलती हो गई मेरे शो पे. यही गलती हो गई. मैंने बहुत अच्छा अच्छा बोला है उनके लिए बहुत सारी वीडियो में. अब देखा मेरे लिए भी अच्छा बोल देती थोड़ा. वो जरा मुश्किल हो गया क्योंकि अब जरा शो की शूटिंग खत्म हो गई है. चलो गाइस आज के लिए लाइव बंद करते हैं, तो लोगों को बहुत ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा फिर यूट्यूब के लिए. बाय बाय बाय. यस, सी यू लेटर एंड लक्ष्य, सी यू वेरी सून. बाय वेरी सून. बाय बाय गाइस. बाय 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 बाय. थैंक यू सो मच सचिन आर्मी, आई लव यू गाइस. थैंक यू सो मच वंस अगेन इतना सारा प्यार देने के लिए. यूट्यूब पे ब्लॉग आ चुका है, नहीं देखा तो जाके देख लो. और अपन बहुत काम करने में बिजी है. अभी फोकट की लाइव वाइव बंद करेंगे, पर कोई कुछ बोलेगा तो छोड़ेंगे नहीं. आता ऐसा. बाय गाइस.